आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल फेस मोटर कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता, ठीक है। सेल्फ स्टार्टेड क्या है, खुद से ही स्टार्ट हो जाता है। सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि अगर आप एक सिंगल फेस मोटर और एक थ्री फेस मोटर को अगर आप कंपेयर करोगे, थ्री फेस मोटर को जैसे ही हम सप्लाई देंगे, थ्री फेस मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल फेस मोटर को हम सप्लाई देते हैं तो सिंगल फेस मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता। इसके लिए इसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कैसे काम करता है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल फेस मोटर लेंगे और एक थ्री फेस मोटर लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। सिंगल फेस मोटर में आपको कैपेसिटर दिख जाएगा, लेकिन थ्री फेस मोटर में आपको कैपेसिटर नहीं दिखेगा, ठीक है। कैपेसिटर क्यों लगता है सिंगल फेस मोटर में, वो भी एक कारण है, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ विदाउट कैपेसिटर सिंगल फेस मोटर कैसे स्टार्ट होता है वो मैं बताऊंगा। अब हम थ्री फेस मोटर और सिंगल फेस मोटर दोनों को खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों के अंदर सेम वाइंडिंग है, सेम रोटर दोनों के अंदर है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, रोटर का जो सॉलिड कवर होता है उसे मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे आपको रोटर की जो बार होता है उसे मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो वाइंडिंग आपको दिख रहा है ना, इस वाइंडिंग में ही मेन चीज़ है, ठीक है। ये वाइंडिंग का कमाल है। थ्री फेस मोटर का जो वाइंडिंग होता है, उस वाइंडिंग में जैसे ही हम सप्लाई देते हैं थ्री फेस, उस वाइंडिंग में एक ऑटोमेटिकली एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सिंगल फेस मोटर के वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इस वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हम एक दूसरा वाइंडिंग यूज़ करते हैं जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम मेन वाइंडिंग के साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो देखो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब जो मेन वाइंडिंग होता है उसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है उसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग का मतलब मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, लेकिन हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसके वजह से यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी की बात करें अगर मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, यहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस इसका हाई होता है एंड रिएक्टेंस इसका कम होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट एक ही साथ चलता है, लगभग सेम तरह से ही चलता है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलली कनेक्ट होता है एक साथ, ठीक है। अब जैसे ही इन दोनों में हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इस मोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का बीच का जो फेस का डिफरेंस है वो होता है 90 डिग्री। अब जैसे ही ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सिंगल फेस में प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, EFR जो फ्लक्स है, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ पर जो रोटर का जो बार है, ठीक है, इस बार को कट करेगा, ठीक है। जैसे ही रोटर बार को कट करेगा यहाँ पर क्या होगा, एक इंड्यूस EMF जनरेट होगा, लेकिन रोटर बार दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किटेड है एंड रिंग की वजह से। वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही रोटर बार में एक इंड्यूस EMF जनरेट होगा, वहाँ से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रोटर बार से एंडिंग से रोटर बार सभी में से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा, इस रोटर बार के ऊपर एक फोर्स लगेगा, मतलब एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही टॉर्क लगेगा ये जो रोटर है एक घूमना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे ही सिंगल फेस मोटर स्टार्ट होता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।